होली और शबे बारात एक ही दिन होने के कारण पुलिस का टेंशन बढ़ गया है। ऐसे में कोई वाद विवाद या अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। बीसीएन न्यूज से बात करते वक्त पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि किसी भी प्रकार की कोई भी अनुचित घटना न घटे, इस उद्देश्य से करीब 4000 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इस अवसर पर बात करते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि 3 चरणों में बंदोबस्त किया गया है, ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इसलिए 4000 कर्मचारियों के साथ शहर के सभी अधिकारी फील्ड पर तैनात रहेंगे। वहीं ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। एसआरपीएफ की 2 कंपनियों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जा रहा है। वहीं होली के दिन शराब के नशे में कई लोग धुर्त होते हैं और रास्तों पर हुड़दंग मचाते फिरते हैं, जिसके चलते ऐसे लोगों पर नकेल कसने के उद्देश्य से पुलिस ने ड्राई डे के दिन अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। वाइन शॉप और बार मालिकों की बैठक लेकर बताया गया कि बगैर परमिट के किसी को शराब न दे, यदि किसी को शराब के साथ या नशे में पकड़ा गया तो संबंधित व्यवसाय पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर्वप्रथम हे सांगने की एक पाठोपाठ मर्डर होता है सांगने उचित नहीं, हे वस्तुस्थितीचे धरून नहीं है। काही कालात आता 4 मर्डर्स झालेले होते, परंतु ते त्यापैकी 2 मर्डर्स घरगुती होते। एका वडिलांनी त्यांचे पत्नी आणि मुलांना मर्डर केला, एका आईनी त्यांचे मुलांचे मर्डर केला। ते मर्डर खरा दृष्टिकोनातून वेगळे प्रकारचे असते, ते प्रोफेशनल दृष्टिकोनातून पोलिसांकडून प्रिव्हेंटेबल नसतात। जे काल मुलीबद्दल सांगण्यात येत आहे त्याबद्दल आत्ता नक्कीच ते मर्डर आहे, हे आत्ताची सध्याची परिस्थिती तसे हे वस्तुस्थिती नाही। राहिली गोष्ट होलीबद्दल, पोलीस दल पूर्णपणे सुसज्ज आहे, योग्यरीत्याने बंदोबस्त लावण्यात आलेली आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की होली प्रत्येक सणा जे मागचेप्रमाणे यावर्षी पण होली सण आणि त्याचबरोबर उद्या शबे बारात पण आहे, ते दोन्ही सण शांततेत पार पाडतील यामध्ये कोणताही शंका नाही आहे। पोलीस दल पूर्णपणे तयार आहे, काही अपवादात्मक परिस्थिती घटना घडल्यास त्यांना तोंड देण्यासाठी पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे सुसज्ज आहे। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने जनता से शांतिपूर्वक ढंग से होली मनाने का आह्वान किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।